जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज देखिए, आप यहाँ पे थंबनेल में देख रहे होंगे कि हमने जो है थंबनेल में लिख रखा है कि मिशन फौजी। तो अब की बार जो है आपको हमने फौजी बनाना है, अग्निवीर बनाना है। इसके लिए हमने जो है सीरीज चला रखी है। ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, जो आपको 15 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ये आपको संपूर्ण रूप से करवाए जाएंगे। ये सीरीज हमारी रहेगी 25 मार्च से 12 अप्रैल तक। हम जो है इसमें आपको संपूर्ण जीके करवाएंगे, जो कि आपके पेपर के हिसाब से जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। और इस बार का पैटर्न क्या होगा, ये आपको पता ही है कि आपका जो अग्निवीर का पेपर होने वाला है, ये पहली बार जो है क्या होगा, ऑनलाइन पेपर होने वाला है। और इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि आपके 15 में से 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करवाए जाएंगे और इसमें वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो 2015 से 2022 के पेपर में पूछे गए हैं। और साथ में जो है अगर लेवल अप हुआ है कहीं पे, तो वो क्वेश्चन भी आपको जो है इसमें करवाए जाएंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए, आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन करेंगे हम। आपके पास क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व तो किसने किया था। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है 4, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, स्वामी सच्चिदानंद या भवन सिंह। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और आपको भी बताया किससे रिलेटेड है ये। अगर आपको नहीं जानकारी है तो आपको बता दूं मैं कि ये जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड है। और इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। ये इनका दूसरा सत्याग्रह था और कब हुआ था, 1918 में हुआ था, ठीक है। और ये किसके लिए हुआ था, गुजरात, गुजरात के जो किसान थे, ठीक है, गुजरात के जो किसान थे जिनकी फसल तबाह हो गई थी या जिनके पास फसल नहीं उत्पन्न हुई थी, उन लोगों को भी कर देना पड़ रहा था, उनके लिए जो है सत्याग्रह चलाया गया था। और कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो देखिए, अगर महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह की बात करेंगे, पहला सत्याग्रह था आपका चंपारण का, चंपारण सत्याग्रह, ध्यान रखेंगे इस बात का। और ये कब हुआ था, 1917 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोनों, तो इनका आपने ध्यान रखना है जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो क्वेश्चन पढ़िएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है 4, 1925 में, 1930 में, 1936 में या 1940 में। तो अगर हम बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा के गठन की, तो ये कब हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1936 में बच्चे, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या रहा, ऑप्शन सी जो है इसमें सही रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंध थे, मतलब किसका संबंध जो है अवध किसान सभा से है। ये किसान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है एक महत्वपूर्ण आंदोलन चला था आपका, ठीक है, किसानों का केंद्र सरकार के खिलाफ, ठीक है, जिसके 3 जो कृषि कानून थे उनके खिलाफ। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है इनमें से देखिएगा आपका सही आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, बाबा रामचंद्र, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अपसौर की स्थिति किस दिन होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पास अपसौर की। यहाँ पे अपसौर उप और उपसौर, ठीक है, अपसौर का आप बताइएगा, अपसौर कौन से दिन होता है। तो अगर हम बात करेंगे अपसौर की, तो ये आपका अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को होता है। और उपसौर की बात करेंगे हम, ठीक है, उपसौर की बात करेंगे तो बच्चे ये कब होता है, 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जैन को जो है आपका उपसौर होता है। और 4 जुलाई को आपका क्या होता है, वो अपसौर होता है, ठीक है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सही आंसर रहेगा कि भारत ने जो है पहला उपग्रह किसकी सहायता से अंतरिक्ष में भेजा, तो वो आपका साथी कौन है, रशिया, ठीक है। और रशिया के बारे में बात करेंगे तो रशिया के जो अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति है कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और वहां की कैपिटल क्या है, मॉस्को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छठा क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था। अगर हम बात करेंगे मौसम उपग्रह की, तो भास्कर द्वितीय है या रिसोर्स सेट 1, एप्पल या मैट सेट। तो यदि हम बात करेंगे मौसम उपग्रह की, ठीक है, हमारा मौसम उपग्रह है वो कौन सा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है
बैट सेट जो है यहाँ पे सही रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी मैट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो देखिए हमने अभी हमने ये डिस्कस किया कि ये किसकी सहायता से, भारत का पहला उपग्रह किसकी सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो हमने देख लिया रशिया की सहायता से। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो है हमारा पहला उपग्रह है कौन सा। तो अगर हम बात करेंगे पहले उपग्रह की तो कौन सा है, आर्यभट्टा। और अगर हम बात करेंगे कि इसको अंतरिक्ष में किस दिन भेजा गया था, किस साल भेजा गया था, तो ये आएगा आपका 1975 में। बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का, 1975 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो भी पहला है या पहली कोई खोज हुई है या पहला कोई व्यक्ति है, तो वो चीजें आपने ध्यान में रखनी है आपने। अगर आप नहीं पढ़ रहे इन चीजों को तो उस चीज पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो अगर हम बात करेंगे भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की, तो देखिए 1962 में, 1965 में, 1969 में या 1970 में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या रहेगा बच्चे, 1969 में। बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का, कब हुआ था, 15 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख भी पूछी जा सकती है आपसे। तो 15 अगस्त 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब इसरो, हमारा जो इसरो का हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, बेंगलोर में है। बेंगलोर किसकी कैपिटल है, कर्नाटका की कैपिटल है। और अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा इसरो है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, विक्रम साराभाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, विक्रम साराभाई जो है इसरो के पहले अध्यक्ष थे। आपने बताना है कमेंट में, जरूर बताइएगा कि भारत के इसरो जो है, इसरो के अभी वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है वो कौन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूना पैक्ट समझौता का संबंध था, मतलब पूना पैक्ट जो हुआ था हमारा, उसका संबंध किस से है, दलित वर्ग से है, ईसाई वर्ग से है, सिख वर्ग से है, मुस्लिम वर्ग से है। देखिए अगर हम बात करेंगे किस चीज की, पूना पैक्ट की, तो पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि पूना पैक्ट हुआ किसके बीच में था। तो ये पूना पैक्ट जो है गांधी जी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर, अंबेडकर के जी के बीच में हुआ था, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, हुआ कब था, 1932 में हुआ था, जो पुणे की जेल है यरवदा जेल। ठीक है, पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी उस समय जो है जेल में बंद थे, तो वहां पे जो है अंबेडकर और उनके बीच में ये समझौता हुआ था। और ये किस चीज से रिलेटेड है, किस वर्ग से रिलेटेड है, तो ये है आपका दलित वर्ग से, क्योंकि आप बी आर अम्बेडकर जी को जानते हो, किस वर्ग से संबंधित है, दलित वर्ग से संबंधित है। तो इन्होंने जो है ये समझौता किया था किसके साथ, गांधी जी के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, पूना पैक्ट हुआ कब था, 1932 में, किसके बीच में हुआ, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में, और किस वर्ग से संबंधित, दलित वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, काकोरी कांड के नायक कौन थे। आपके पास ऑप्शन में राम प्रसाद बिस्मिल, बकरतुल्ला खां, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे काकोरी कांड की, तो देखिए अगर हम काकोरी कांड की बात करेंगे तो हुआ कब था, 1925 में हुआ था बच्चे, कब हुआ था, 1925 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करेंगे जो काकोरी कांड है, काकोरी कांड एक आपका ट्रेन स्टेशन भी हुआ करता था यूपी में। इन प्रेजेंट टाइम जो है काकोरी जो कांड था उसको क्या रखा, इसका जो नया नाम रखा गया वो क्या नाम रखा गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, तो इसका नया नाम क्या रखा गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है, ध्यान रखेंगे इस बात का। और अगर हम बात करेंगे इसके नायक की, तो वो कौन थे आपके, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो यहाँ पे चंबल है, कोयला है, बेतवा है, भागीरथी है। टिहरी बांध की अगर हम बात करेंगे तो टिहरी बांध आपका कौन से स्टेट में है, यूके में है, यूके माने उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। और उत्तराखंड स्टेट आपका बना कब था, 2000 में बना था जी, कब बना था, 2000 में बना था। और इसका जो यूके उस समय जब 2000 में ये स्टेट बना, तो उस समय इसका नाम हुआ करता था क्या, उत्तरांचल। क्या नाम हुआ करता था, उत्तरांचल जी, इन प्रेजेंट टाइम क्या बोलते हैं हम, उत्तराखंड बोलते हैं। तो उत्तराखंड इसका नाम कब रखा गया भाई, 2007 में। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, उत्तरांचल से उत्तराखंड कब बना, 2007 में बना। और अगर हम बात करेंगे टिहरी बांध की, तो कहाँ है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कौन सी नदी है, भागीरथी नदी पर बना है। और ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम भी कह सकते हैं आप इसको, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। और कौन सी नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर बना है, कौन से स्टेट में है, ये भी आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
देखिए हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो अगर हम बात करेंगे हीराकुंड बांध की, तो हीराकुंड बांध के लिए भी आपके पास ऑप्शन है महानदी, बेतवा, चंबल, कृष्णा। तो देखिए अगर हम बात करेंगे हीराकुंड बांध की, तो हीराकुंड बांध जो है कौन सी नदी पर बना है, महानदी पर बना है। और हीराकुंड बांध जो है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है, हीराकुंड बांध है। आपने मेरे को कमेंट में बताना है कि ये कौन से स्टेट में है, आपने स्टेट बताना है कि हीराकुंड बांध जो है कौन से स्टेट में है बच्चे, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो अगर हम बात करेंगे श्वेत क्रांति की, देखिए दुग्ध उत्पादन से है, मांस उत्पादन से है, तिलहन से है, उर्वरक से है। तो अगर हम बात करेंगे श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है जी, दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। और ये श्वेत क्रांति इंडिया में आई कब थी, 1970 में आई थी, ध्यान रखेंगे इस बात का। और इंडिया में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को। और भारत में श्वेत क्रांति हुई कब, 1970 में हुई, ठीक है। और संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक तट रेखा की, तो उससे पहले आप ऑप्शन देख लीजिएगा और साथ में आपका जो आंसर रहेगा वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं तट रेखा की बात करेंगे तो तटीय रेखा वाले जो हमारे स्टेट है वो कितने हैं, तटीय रेखा वाले कोस्टल लाइन वाले स्टेट कितने हमारे पास, 9, ठीक है। कितने स्टेट हैं, 9 स्टेट हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोस्टल लाइन वाले हमारे राज्य कितने हैं, तटीय रेखा वाले राज्य कितने हैं, तो कितने हैं, 9। अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसकी है, सीमा किसकी है, तो वो है आपकी गुजरात की, ठीक है, किसकी है, गुजरात की। और सेकेंड नंबर पर कौन आता है आपका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और सबसे कम की बात करेंगे बच्चे, अधिक की बात करेंगे तो गुजरात है, और कम की बात करेंगे तो कौन आएगा, गोवा आएगा जी, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। और गोवा आपका जो है एरिया वाइज इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये देखिए एक बहुत ही मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे इसको, मैं इतना समझ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए रहने वाला है कि लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से, आपके पास ऑप्शन भी हैं, आलू से है, अंडा से है, अंडे से है, प्याज से है, टमाटर से है। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए मैं रख रहा हूँ, कमेंट में बताएं कि लाल क्रांति का संबंध किससे है। और अगर आपको ये वीडियो सही लग रही है और हमारा ये प्रयास आपको सही लग रहा है कि जीके का मैंने आपको बताया है कि हम जो है 25 मार्च से 12 अप्रैल तक आपका जीके संपूर्ण जो है आपके पेपर के हिसाब से पूरा कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जरूर बताइएगा कि इन 15 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।